नमस्कार, सवाल आपका। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। लगातार तपिश झेल रहे उत्तर भारत में अब लगभग सभी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धरती की तपन के साथ साथ आम जन भी गर्मी से राहत महसूस कर रहा है। पानी की कमी झेल रही फसलों को भी संजीवनी मिली है। वाकई ये बरसात काफी राहत लेकर आई है, लेकिन इस राहत के साथ साथ बरसात आफत भी बनी है। यूपी, दिल्ली, पंजाब सहित हरियाणा से जगह जगह से जलभराव की खबरें आ रही हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के कई जिलों में बदरा जमकर बरसे। बरसात से कई जिलों में पानी भर गया, सड़कें नदी बनी तो गलियां तालाब बन गई। और हालात ये हैं कि कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया तो कहीं बीच सड़क पर हादसे घटित हुए। कोई अंडरपास में समा गया तो कोई बीच सड़क पर गोता खा गया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये हालात मानसून के आगाज के साथ बने हैं। आगे आगे बरसात होगी तो परिस्थितियां और भी बिगड़ेंगी। वहां पर तो और भी बुरे हालात हैं, जहां पर सड़कों, नाले, नालियों का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कई शहरों में अमृत योजना के काम काफी समय से लटके पड़े हैं, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जलभराव के चलते सामने आई हैं। अंबाला, झज्जर, कैथल, रेवाड़ी, जींद, बहादुरगढ़, हरियाणा से तस्वीरें छह आप देख पा रहे हैं, जहां पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से इंतजाम जो किए गए वो पोल खोल रहे हैं। गुरुग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, नारनौल, अंबाला, सोनीपत से तस्वीरें आप देखिए। ये अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां पर इस बरसात ने प्रशासन के सभी इंतजामों की पोल खोल दी है। जहां जहां पर भी जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वैसे इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के इस आगाज के साथ हालात क्या हैं, और अगर इसी प्रकार के हालात लगातार बने रहे, बरसात इसी तरह से होती रही, तो फिर परिस्थितियां और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसको देखते हुए कुछ सवाल है, वो सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। जल निकासी के इंतजामों के दावों का क्या हुआ? दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, पानी नहीं भरने देंगे। जल निकासी परियोजनाएं क्यों दम तोड़ रही हैं? जो परियोजनाएं लागू होती हैं, जल भराव से होने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन है? क्या आपके इलाके में भी जल भराव की दिक्कत है? अगर आपके इलाके में भी ऐसे हालात हो तो आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं सवाल कि मेरे इलाके में ऐसे हालात क्यों हैं, और अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो भी आप इस मंच के जरिए अपनी बात को उठा सकते हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं उन इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है इस बरसात ने। और जो बरसात हुई है उस बरसात से तमाम उन दावों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं जो बरसात आने से पहले किए जाते हैं, कि हमने बोरवेल लगा दिए हैं, हमने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिए हैं, हमने ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दिया है, करोड़ों रुपए खर्च करके हमने नालों की नालियों की सफाई करवा दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो फिर ये दावे क्यों किए जाते हैं? इन सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रमेश गोयल हैं, जलस्टार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रमेश गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। और दीपक चौहान, नेता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ है। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कल हमने देखा वो देश प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने सवाल पैदा कर दिया है कि हम इंतजाम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तमाम तरह के परियोजनाओं को लेकर हम आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हालात सवाल खड़े करते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए शमशेर जी, मैं किसी मुद्दे से भागने की कोई प्रयास में नहीं था, ना हूं। जो बात रखूंगा वो स्पष्ट रखूंगा जी, बिल्कुल स्वागत, और उसे सभी मानेंगे भी, ऐसा मुझे उम्मीद है जी। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की एक कारण है कि अतिवृष्टि एक ही जगह एक जिले में, जैसे करनाल में पिछले हफ्ते 110 mm बारिश हो गई, या कुरुक्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश हो गई, या किसी भी अन्य जहां की आपने जगह दिखाई, तो जब अतिवृष्टि एक साथ एक ही स्थान पर सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ समस्या आती है कि हम सामाजिक रूप से स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, कहीं पर पॉलिथीन फंस गया,
किसी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हम कुछ फंसा देते हैं तो उसके लिए कुछ समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम अपने आसपास की व्यवस्था को भी सही नहीं करते। जहां तक जल भराव की स्थिति है कुछ जिलों में, और लगभग मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों की एक श्रृंखला खड़ी की गई है, और उसी के तहत कहीं पर सड़क कुछ लेवल ऊपर उठ गया तो उसके साथ पानी की समस्या आ गई, वो पानी वहां पर जमा हो गया। कुछ एरिया पहले से ही वेंटिलेशन के तौर पे नीचे है, जैसे अंबाला की आप बात करें, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, परंतु जब अतिवृष्टि होती है तो उसमें घंटे दो घंटे छह घंटे के लिए कोई समस्या उत्पन्न होती है, परंतु प्रशासन सक्रिय रहा और उसको जितनी यथा संभव यथाशीघ्र उसको दूर किया गया। पंपों की सहायता के साथ इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, बीएनडीआर हो, सभी प्रशासन के अधिकारी मौके पे थे। जहां भी ऐसी समस्या आई उसको पानी को जल्दी से जल्दी उसकी निकासी करवाई गई। मैं कुछ एक आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको भी शायद इसकी जानकारी होगी। फरीदाबाद नगर निगम की बात करूंगा, नगर निगम पे ज्यादातर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। वहां पर ये रिपोर्ट सामने है कि 180 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किए जाएंगे, और अगर आज उनके हालात की बात करें तो ज्यादातर काम नहीं कर रहे, आप उदाहरण सुनते चले जाना। दूसरा मैं गुरुग्राम की बात करूंगा, करोड़ों रुपए की पिछले महीने ये टेंडर जारी किए गए थे एक महीने पहले कि ड्रेनेज की सफाई की जाएगी, लेकिन उसमें निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को नोटिस जारी करना पड़ गया कि वो काम ठीक से नहीं हुआ। तीसरा आपको बताऊंगा, अंबाला नगर निगम कार्यालय में, अंबाला नगर निगम के कार्यालय में पानी भर गया, वहां क्या दिक्कत है। चौथा आपको बताऊंगा, रोहतक में जो हमारे सेक्टर्स हैं वहां पर 6 पंप लगाने की बात हुई थी, वहां पर सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। ये तो वो जगह है। जींद की बात करूंगा, जींद में हम लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि जींद को बेहतर शहर बनाएंगे, और 3 साल पहले की हम बात करें अमृत योजना के, जिसके काम को 1 साल में पूरा हो जाना था, आज तक ठेकेदारों के लचर रवैये के चलते काम पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, ये तो सिर्फ 5-6 उदाहरण है, पूरे प्रदेश के अगर गिनाने लग जाए तो कम पड़ जाएंगे। देखिए शमशेर जी, जहां तक विकास कार्यों का सवाल है, विकास कार्य जहां पर सड़क बन रही है या कहीं पर सीवर की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, उसमें एक विलंब का जो मुख्य कारण मैं समझता हूं वो कोरोना की महामारी भी है। बहुत सी जगह पर लेबर की दिक्कतें आई, इसलिए वो विकास कार्य डिले हुए। डिले होने के कारण ये वर्षा काल आ गया, और एक साथ अतिवृष्टि के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। 1-2 घंटे के अंदर उसको सुचारू कर लिया जाता है, पानी को निकाल दिया जाता है। मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा था कि जर्मनी जैसे पूरा यूरोप आज पानी की जल भराव के कारण परेशान है। तो अब हम वहां की ड्रेनेज व्यवस्था या वहां की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा सकते हैं क्या? कुछ प्राकृतिक भी ऐसी घटना हो जाती है, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है कि ड्रेनेज व्यवस्था उसको संभाल नहीं पाती पानी को, परंतु उस पे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है ये मुख्यतः है। चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल और मेरा बनता। आपने कहा कि कोरोना संकट आ गया, उससे पहले हालात कैसे थे उस पर भी बात मैं आपसे करूंगा। एक दर्शक मेरे साथ है करीम खान मध्य प्रदेश से, वो क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। नियमित दर्शक हमारे, करीम खान जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार करीम खान जी। कमलेश सिंह जी, आप, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेता से, सरकार इनकी है जी, सरकार इनकी है, इनको सोचना चाहिए कि जब नेता चुन के जाता है तो ये राजधानी में जाके बैठ जाता है। ये बारिश के पहले इंतजाम होने चाहिए थे, बारिश के बाद में इंतजाम नहीं होते। और ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे पानी जमाव नहीं होता है। लेकिन अभी मैं इनको एक सुझाव, बेहतरीन सुझाव देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक इमारत ये अयोध्या में बनाने जा रहे हैं, अभी भी रोड के किनारे वहाँ गटर सिस्टम इनको लागू करना चाहिए और बनाना चाहिए, लेकिन ये वहाँ पे भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि कम से कम उस शहर को इस लायक बना दो कि कम से कम पानी का जमाव ना हो। कोई ऐसा शहर बाकी नहीं जहाँ पानी का जमाव नहीं होता। ये समय के पहले करना चाहिए, समय के बाद में करना चाहिए, लेकिन नेता राजधानी में जाके बैठ जाते हैं। जी करीम खान जी बहुत शुक्रिया, नेताओं पर सवाल खड़ा किया। एक दर्शक और है सुरेश रोहतक से। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका, कहिए।
सर हमारे यहाँ ना एक सूर फार्म खुला हुआ है, उसमें तो इतने बदबू आते हैं बहुत ज्यादा, क्या करें, मजबूर हो रहे हैं, दबंग आदमी है। आपने कहीं शिकायत की सुरेश जी इसको लेकर? जी हमने नगर निगम को दिया था। क्या क्या जवाब मिला आपको? आपको जवाब मारने की धमकी दे, जवाब क्या मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कब की बात है ये? कितने समय पहले आपने शिकायत की थी? हमने परसों की है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। जवाब नहीं मिला है, ठीक। शुक्रिया सुरेश, अपनी बात रखिए। आपने चौहान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रमेश गोयल जी आपके पास आना चाहता हूं। जल भराव की दिक्कत है, हालांकि दीपक चौहान जी ये कह रहे हैं कि ये जो अतिवृष्टि होती है एकदम से ज्यादा बरसात होने की वजह से ऐसे हालात होते हैं, या फिर हमने परिस्थितियां ही ऐसे पैदा कर दी हैं कि बारिश है कैसी भी हो, हल्की या तेज, पानी तो भरेगा ही भरेगा, या उसके लिए कुछ इंतजाम हमें बहुत समय पहले कर लेने चाहिए थे, वो हमने किए कि नहीं किए, ये आप बेहतर बता सकते हैं। वास्तव में बात ये है कि इस सारे सिस्टम को जो अधिकारी चलाते हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, कोई क्योंकि उनके उत्तरदायित्व कोई है नहीं जी। वो पानी जहाँ ज्यादा बढ़ता है उनकी कोशिश रहती है कि उसका लेवल बढ़ा दिया जाए, उसकी वजह से दूसरी जगह समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत सही बात। जबकि होना ये चाहिए कि पानी के निकास की व्यवस्था हो। अभी जो जहाँ सीवरेज सिस्टम है वो क्यों ओवरफ्लो होते हैं इतने ज्यादा, उसकी सफाई नहीं होती। सफाई कब करेंगे? वो जैसे शिकार के टाइम सब ठीक है सामान तैयार करें, वो बात है कि जून के महीने में जुलाई के महीने में उसकी सफाई शुरू करते हैं, वो मशीनें 10 महीने पड़ी रहती हैं, जबकि वो रेगुलर सफाई उसकी होनी चाहिए। यदि उसकी रेगुलर सफाई हो तो उसकी कैपेसिटी बनी रहेगी और वो पानी निकलेगा। तो ये जो लेवल बढ़ा देना है ये कोई हल नहीं है। और कोर्ट के ऑर्डर है कि जहां भी नई सड़क बने किसी सड़क को तोड़ के बनाए हैं तो नई बनने वाली सड़क का लेवल नहीं बढ़ाएंगे जी। लेकिन फिर भी अधिकारियों की, ठेकेदार की ये कोशिश होती है कि उसका लेवल बढ़ा दिया जाए। जैसे एक सड़क का लेवल बढ़ाया तो जो मान लो मेन सड़क है कोई, उसका लेवल बढ़ा दिया तो उसमें जितनी गलियां साइड में लगती होंगी उन सबके अंदर पानी भरना ज्यादा शुरू हो जाएगा, फिर उनका लेवल बढ़ाते हैं। परिणाम ये होता है कि लोगों के घरों में पानी जाता है। फिर जिनके घर नीचे है, मेरा अपना जो मकान है, जब मैंने ये बनाया आज से लगभग 32 साल पहले, इसका लेवल 5 फुट ऊंचा था रोड से जी, और आज लगभग 9 इंच ऊंचा है, इतना लेवल गली का ऊंचा सड़क का बता दिया। अभी ये स्थिति जो है इसके कारण करोड़ों अरबों रुपए लोगों के मकान का लेवल उठाने में लग जाते हैं, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। सरकार के पास उसका कोई नोटिस नहीं है, उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। और कई बार ऐसे लोगों के मकान जो बड़ी मुश्किल से अपना मकान बना पाते हैं, उसको लेवल उठाना, दोबारा तोड़ के बनाना या कुछ करना, ये उनके बस में नहीं होता है। और वो बहुत मजबूर होते हैं, बाल्टियां ले लेके पानी निकालते रहते हैं जब बरसात रुक जाती है, जब बाकी का पानी निकल जाता है। ये सब स्थिति इसलिए है, इसे हम मिसमैनेजमेंट कहेंगे। सरकार की मंशा उसमें कहीं खराब नहीं हम कहते, लेकिन सवाल यह है कि अधिकारियों से काम नहीं लिया जाता है, या अधिकारी समय पे काम नहीं करते तो उनसे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। उससे एक्शन यदि हो, एक कमेटी का जो ईओ है उसको प्रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं, वो अपने ढंग से काम करता है, तालमेल की बड़ी कमी है। अभी हरियाणा सरकार ने जिला नगर आयुक्त अपॉइंट किए हैं एक और अधिकारी उनको चेक करने के लिए, एक आईएएस ऑफिसर है। शुरू में जैसे वो लगे ना तो बड़ी स्पीड से ये लगता था कि इन्होंने कुछ तीर मारना है, बड़ा कुछ काम करेंगे और कमेटी उनकी जो कार्रवाई है उसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन फिर ढाक के तीन पास जैसे ढाके में और अधिकारी है वैसे वो भी हो गए। जहां तक एक चर्चा रहती है कि सड़क बनानी है, गली बनानी है या कोई और काम करना है, उसमें जो कमीशन का परसेंटेज था वो थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि एक अधिकारी और शामिल है। हम कितना भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करें
लेकिन आम आदमी की जब बात करेंगे, आम आदमी से जब चर्चा करेंगे, तो ये पता लगेगा कि भ्रष्टाचार ऊपर लेवल पे, हमारे मुख्यमंत्री बड़े पाक साफ हैं, गृह मंत्री बड़े पाक साफ हैं, लेकिन नीचे की जो रिश्वत है उन्हीं के वजह से, इस वजह से कि कहीं शक्ति ना हो काम रुकेगा और कहीं किसी सिफारिश के पीछे भी नहीं बनेगा, इसलिए वो भ्रष्टाचार बोल देंगे। अब जब ये पोजीशन है कि जो गलियां पहले बनती थी वो 5-4 साल कम से कम बिल्कुल सही रहती थी, आज ये पोजीशन है कि गलियां, अब शिक्षा शहर से जहां से मैं हूं, पिछले 1.5-2 महीने में सैकड़ों गलियां उखाड़ के रख दी और ऐसी अनेक गलियां, सैकड़ों गलियां हैं जो 1.5-2 महीने से नहीं बनी। ये तो शिक्षा पे बादल ही कृपा नहीं करते, वरना आप समझिए कि उन गलियों में जब पानी भरेगा तो लोगों की नींव में पानी भरने की स्थिति आ जाएगी। ये आप एक गोयल साहब आप जो बात कर रहे हैं बहुत अहम बात है कि जो सड़कें हैं हमारी, वो जिनके मैं नाले नालियों की बात करूं, सड़कों की बात करूं, तो उनका जो काम शुरू किया जाता है उनको खोद कर छोड़ दिया जाता है, ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिम्मेदारी तय नहीं होती कि आपको इतने समय में काम पूरा करना है, अधिकारियों को लेकर जरूर बात करेंगे। और एक बात और भी है कि आपने सही कहा कि तो बरसात कम होती है, हालांकि ये बात कह रहे हैं गोयल साहब, चौहान साहब बात कर रहे हैं कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि होती है मान लिया, वो कभी कभार एक आध दिन ऐसा होता है, बाकी दिनों में तो बारिश अगर होती रहे तो परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। चौहान साहब, अधिकारियों की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा हुआ है, उनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, अगर हमने उनके ऊपर नकेल नहीं कसी तो फिर ऐसे हालात बने रहेंगे, चाहे बारिश थोड़ी हो या ज्यादा हो। ये सब जगह नहीं हुआ कि 110 mm बारिश हुई है, बहुत जगह 25-30-35 mm बारिश हुई है, वहां पर भी गलियों के हालात बेहद खराब है। मैं आ रहा हूं आपके पास गोयल साहब, एक सवाल मैंने चौहान साहब से किया, उनसे पूछ लेता हूं। देखिए रमेश गोयल जी का ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और उनकी जो ये इन्होंने मुद्दा उठाया है कि लेवल सही प्रकार से होना चाहिए सड़कों का और आसपास के घरों का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ और इसे समय समय पर अधिकारियों को ऐसे दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से मिलते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को पूरी छूट दे दी गई है कि वो कुछ भी करें, उनके ऊपर समय समय पर उनकी समीक्षाएं होती है का विकास कार्यों की और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन चौहान साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलियों की बात हम कर रहे हैं, बेचारे आवाज नहीं उठाते। किसी आदमी ने एक बात बहुत बेहतर कही है गोयल साहब ने कि एक आदमी सारी उम्र की जमा पूंजी अपने प्लॉट खरीदने में, अपना मकान बनाने में लगा देता है और 25-30 साल बाद, 15 साल बाद देखता है कि जिस मकान को 5 फीट ऊंचा उसने सड़क से बनाया था, आज वही मकान 2 फीट नीचे चला गया है। अब इसके ऊपर काम कौन करेगा, इसके लिए कोई नियम कौन बनाएगा? आदेश भी आ चुके कोर्ट के, उसके बाद भी हम काम नहीं कर रहे। सड़कों को बनाते हैं, पुरानी सड़क के ऊपर फिर सड़क खड़ी कर देते हैं, जिसने नया मकान बनाया वो 5 फीट ऊंचा कर लेता है, जिसका पुराना मकान है उसका बेचारे का मकान जमीन में चला गया, इसी वजह से ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है प्रॉपर शहर को बसाने की, नालियों को बनाने की, सड़कों को बनाने की, ये प्रॉपर प्लानिंग कब बनेगी? शमशेर जी, वैसे तो विकास कार्य प्लानिंग के साथ ही किए जाते हैं, परंतु कहीं कहीं शहर है बहुत पुराने शहरों के अंदर। चौहान साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है, आ भी नहीं पा रही है, मैं आपके पास आऊंगा। गोयल साहब, इसका इलाज क्या है? ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की बात करते हैं, सरकारी विभाग तक नहीं बनाते, हम कहते हैं प्राइवेट जो अपना खुद का मकान है, निजी मकान लोग बनाते हैं, वो लोग तब बनाएंगे जब सरकारी कार्यालयों में ऐसा सिस्टम होगा, नहीं है। 90% बात करूं तो कहीं पर नहीं है ऐसी चीजें, अपने घर का पानी, अपनी छत का पानी वो जमीन में चला जाए, जल स्तर ऊंचा रहे। हम ये तो कह देते हैं मेरा पानी मेरी विरासत, अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं करते कि जो पानी मेरे छत पे मेरे घर में आ रहा है वो जमीन में चला जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मैं जल संरक्षण के लिए पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ जी, और 2010 में मैंने एक स्कूल में लेक्चर किया था पानी बचत के बारे में और तब वहां इसमें चर्चा हुई। 2 एकड़ में वो स्कूल है, शिक्षा से 11 किलोमीटर तैरने वाली गाँव है वहाँ, उन्होंने उसको तुरंत अपनाया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो वहां उनका ट्यूबवेल लगा था उसके साथ टाइम से सेट कर दिया, 2 एकड़ का पानी उसमें समा जाए। ऐसे
अनेक जगह पे मेरे प्यार से हॉस्पिटल लगे। मैंने 2011 में बीओ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा जिला के जितने स्कूल थे उन सबको पत्र भिजवाया था कि वो अपने स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। इसी तरह से पूरे जिले के सभी सरपंचों को बीडीपीओ के माध्यम से पत्र भिजवाए थे कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने गांव में जहां लग सकते हैं लगवाएं। मैंने ये जैसे पानी भराव की बात है, लेकिन एक बात आपसे और पूछूंगा, ये सब आपने करवाया अपनी पहल पर, अब उनमें से काम कितने करते हैं इसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है, कितने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि बना देना और उसको संभाल करना दोनों बने ही वो बने ही नहीं उस समय तो। उसके बाद में 3-4 साल पहले हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सभी स्कूलों में विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होंगे। अब स्कूल के हेडमास्टर ने प्रिंसिपल ने क्या किया, किसी टेक्निकल आदमी से राय नहीं की और अपने हिसाब से उन्होंने वो हार्वेस्टिंग सिस्टम बढ़ा दिया। सरकार के तो पैसे खर्च हो गए लेकिन पानी जमीन में नहीं जा रहा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूं जी। 2017 में मुझे गुड़गावा में एक संस्था ने बुलाया इस मोटिव के साथ, एवरी ड्रॉप काउंट, और उन्होंने लिखा मिस्टर रमेश गोयल इन यूर कॉलोनी, वो मैडम है बहन है गोरीश्रीन, वहां उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आजकल जो हमारे प्रधान सचिव हैं उमा शंकर जी, वो उसमें वहां उसमें नगर निगम में कमिश्नर थे, वो शिक्षा डीसी रहे इसलिए मेरे परिचित थे। उन्होंने अपना एक्शन एसडीओ जी हमारे साथ भेजे। एक आरडब्ल्यू में जब हम वहां गए हैरान रह गए, बहुत बढ़िया सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बनाया हुआ था वहाँ बड़े साइज में, लेकिन उसमें कूड़ा भरा हुआ था और जेसीबी बुला करके उस कूड़े को निकालना पड़ा। ये सिस्टम है, ये अधिकारियों ने उसे चेक ही नहीं किया कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं गोयल साहब, उन्हीं अधिकारियों को लेकर मैं चौहान साहब से पूछना चाह रहा हूँ। चौहान साहब, सरकार की नीयत में माना खोट नहीं है और सरकार चाहते विकास के कामकाज हो, और सरकार अगर विकास के कामकाज नहीं कराएगी तो जनता के सामने फिर विकल्प दूसरे खड़े हो जाते हैं, पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही है। और ऐसे उदाहरण गोयल साहब दे रहे हैं, धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं, आप भी जानते होंगे, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इनके पास हैं। या तो काम करते नहीं है, करते हैं तो फिर कूड़ा मिलता है वहां पर, ऐसा होता क्यों है? सरकार का पैसा, आम आदमी के टैक्स का पैसा खराब होता है और फिर उसके बाद जल जमाव की स्थिति पैदा होती है। सरकार कहती रहती है हमने विकास करवाया, विकास के काम चल रहे हैं, पर वो विकास कागजों में सीमित होकर रह जाता है। सर जी, एक मिनट बीच में विधान साहब से पहले मैं कहूंगा कि हमने गुड़गांव में उस समय लगभग 100 यूनिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के चेक किए थे, जिसमें से केवल 3 चालू थे, बाकी सब बंद थे। किसी भी कारण से वो बंद थे, काम नहीं कर रहे थे, किसी अधिकारी के नोटिस में नहीं थे, किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारे उस प्रयास से थोड़ा बहुत उससे काम हुआ, वो भी इसलिए कि वहां जो अधिकारी थे उमा शंकर जी जैसे जी, उन्होंने उसका संज्ञान लिया और काम करवाया। ये अहम बात है, अपने सामाजिक कार्यकर्ता रमेश गोयल जी कह रहे हैं हार्वेस्ट सिस्टम लगाए हैं, लेकिन ये लगाने वाले कौन है? ठेके ही ऐसे आदमियों को देते हैं जिनको इनका काम करने का नॉलेज भी नहीं है, खाली पाइप जमीन में गाड़ दिए और ने उनकी दुहाई की। और कुछ रोहतक में ओमेक्स सिटी के पास रोड के पास 4-5 जगह लगाया है, लेकिन आज वहाँ पानी भरा हुआ, उनके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गया है। उन ठेकेदारों की जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड कहाँ से लिंक है जी। ऐसे ही ठेके दिए जा रहे हैं क्योंकि जनता का पैसा है, मिलकर खाओ लूट मचाओ, देश में ये हाल हो रहा है जी। इतना भ्रष्टाचार, सभी रोड टूटे पड़े हैं, कहीं जाकर देख लो आप, आईएमटी से लेकर रोहतक तक जाना बड़ा मुश्किल है, 8 महीने से रोड टूटे हुए हैं, पाड़ के डाल रखे हैं जी। अभी काम शुरू एक साइड में किया गया सिर्फ,
8-8 महीने तक पानी की लीकेज कहीं बंद करने के लिए ठेकेदार आता है तो वहां से गड्ढा है उस गड्ढे को बंद ही नहीं करते। इस सरकार में तो ऐसा बुरा हाल हो गया है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। चलिए शुक्रिया रणवीर जी। चौहान साहब कई सारे सवाल हैं, आपसे छोटा सा जवाब चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। देखिए शमशेर जी, जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पार्टी का और सरकार का एक ही उद्देश्य है कि प्रशासन में पारदर्शिता आए। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, आगे भी किए जाते रहेंगे, परंतु जहां तक ये समस्याओं का समाधान है समीक्षा की जाती है और लापरवाही जहां भी अधिकारियों की मिलेगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को कहना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, गोयल साहब आपका भी, चौहान साहब आपका भी, इस खास चर्चा मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपका, मैं आपने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन सवाल बहुत सारे अभी भी बने हुए हैं। सरकार की तरफ से जो पैसा आता है विकास कार्यों को लेकर, खासकर जो आज हम जल भराव की बात कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को लेकर, बोरवेल को लेकर, या फिर जहां जहां पानी की जमा होने की दिक्कत रहती है वहां पर अमृत योजना के तहत नाले बनवाने को लेकर, वहां पर पाइप दबाने को लेकर, अंडरपास बनवाने की बात आती है वहां पर भी पानी जमा हो जाता है। होता क्यों है? इसके पीछे बड़ा कारण जो निकलकर सामने आया वो ये है कि अधिकारी अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, और जब तक अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं गिरेगी, जिस इलाके में जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार ठेकेदार के ऊपर जिसको काम दिया गया तय समय पर पूरा नहीं करेगा, तो फिर इसी प्रकार की खबरें इसी प्रकार की बातें सामने आती रहेंगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और असल बात यह है कि ऐसे दुर्घटनाओं में जो व्यक्ति आहत होंगे उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस प्रकार की जल भराव की समस्याएं हम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और पहले भी ऐसा ही होता रहा है। फिलहाल सवाल आपका, इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।